नीचे देख वहाँ खोलना। अरे एक पानी लग भी रहा थोड़ा बहुत। बढ़िया था, बढ़िया है। गाइज हम ऋषिकेश से निकल गए हैं, अभी जाना है क्रिस्टल वर्ल्ड जो कि रुड़की के आसपास पड़ता है। हमें कुछ पता नहीं है वो है कहाँ पे, और गूगल मैप पे हमने क्रिस्टल वर्ल्ड डाल दिया। अब जहाँ पे अभी मिलेगा हम वहीं जाके एंजॉय करेंगे, आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को भी हम अपने साथ एंजॉय कराएंगे। तो गाइज बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ, बहुत मजा आने वाला है क्रिस्टल वर्ल्ड से, जो कि उत्तराखंड का वन ऑफ द बेस्ट और सबसे बड़ा वाटर पार्क है। तो गाइज जो आप राइट साइड में देख रहे हो ये हरिद्वार हर की पैड़ी, वाओ, और वो मनसा देवी है शायद ऊपर पे, वहाँ पे रोप वे है, आप लोग रोप वे से जा सकते हैं वहाँ पे। ये व्यू है कुछ बड़ा अच्छा। तो ये है क्रिस्टल वर्ल्ड, क्रिस्टल वर्ल्ड है, KFC भी है यहाँ पे, चाय सुट्टा बार भी है यहाँ पे, पिज़्ज़ाट भी है, सब कुछ है, सब कुछ। पुलिस वाले भी लगे हुए हैं यहाँ पे। पार्किंग कहाँ है ये, लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट राइट तो राइट चलते हैं भाई। बहुत रश है, बहुत ज्यादा भाई, कितनी गाड़ियां हैं यार यहाँ पे। तो मुझे लगा था कि हम तीनों ही आ रहे हैं। यहाँ देखो कितनी गाड़ियां लगी है यार। तो गाइज ये इसकी एंट्री है, यहाँ पे टिकट वगैरह मिलते हैं। इन्होंने ऊपर शेड वगैरह लगा रखी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बाइक देख सकते हो तो कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कार की पार्किंग बैक साइड में, क्रिस्टल वर्ल्ड। चलिए चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं फिर आप लोगों को अंदर दिखाते हैं। तो गाइस ये कुछ टिकट के प्राइजेज हैं यहाँ पे, हमने ये 1100 वाला लिया है पर पर्सन, ये 1100 जो देख रहे हो आप। इसके अंदर म्यूजियम भी है, वाटर पार्क भी है, खाना नहीं है इसके अंदर इंक्लूडेड, जो हमको खाना होगा हम अंदर से ही परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी अंदर के लिए। तो ये हमारे 3 टिकट हैं, और ये क्या स्टिकर चिपकाने का, ये हाथ में बैंड। चलो चलते हैं, चलिए म्यूजियम पार्क। तो गाइस पहले हम म्यूजियम देखने जा रहे हैं, चलो बैठो इसमें। ये है म्यूजियम, है म्यूजियम 200-400, वो टिकट वगैरह है ना तुम पे। चलिए तो गाइस फाइनली हम म्यूजियम के अंदर आ गए, दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या इन्होंने स्टैचू वगैरह बनाए हैं यहाँ पे, कुछ देखने लायक वो तो जरूर आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये एंट्री हुई है हमारी म्यूजियम के अंदर। ये है महात्मा गांधी जी, जो कि वैक्स के बने हुए, इन पे हम हाथ नहीं लगा सकते हैं ना। टेम्परेचर कितना है महात्मा गांधी जी, और इसी के सामने है स्वामी बाबा रामदेव। एकदम डिट्टो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आंखें खुलने वाली है थोड़ी देर में, कितना मस्त बना रखा ना। ये महात्मा गांधी का चरखा है, ओए ये डोनाल्ड ट्रंप, ये जी ट्रंप आए थे जब इंडिया में। ये है डोनाल्ड ट्रंप, अब इसके बाद नरेंद्र मोदी। ये हमारा प्यारा भारत, और ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, बहुत फिनिशिंग से किया हुआ इसके ऊपर काम यार। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे अच्छा है ना फोटो खींचने के लिए, फ्रेम बनाओ पीछे से, बैक साइड से यहाँ पे फोटो खींच सकते हैं, बीच में रह के अच्छा आ रहा फ्रेम। ये चुलबुल, ये तो दबंग है जी, दबंग। ये चुलबुल पांडे, ये सलमान खान, 3 स्टार कौन से, CISF। घड़ी फास्ट ट्रैक की जो कि चलती नहीं है, ये पिस्टल, चुलबुल पांडे। दूसरे दीपिका पादुकोण, इसके बगल में बैठ के फोटो खिंचा लो, दीपिका, दीपिका पादुकोण। और ये कौन है करोड़पति के, अमिताभ बच्चन जी। तो चलिए और दिखाते हैं आगे आपको, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर मुझे हाथ से कुछ देना चाह रहे हैं, हैरी पॉटर
ओए होए होए बाहुबली बाहुबली इसके आगे खड़े हो जाते हैं ना फोटो खिंचाने के लिए भाई वाह मेरे को थोड़ा साइड होना महेंद्र बाहुबली वाह यार बहुत अच्छे से कर लिए अबीन मिस्टर बीन अमरीश पुरी है मुकाम बहुत खुश हुआ विराट कोहली को तुम भूल ही गया था विराट फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है ना बैट ओरिजिनल तो गाइस अभी हम जा रहे हैं 3D पेंटिंग देखने के लिए इसके अंदर ये 3D पेंटिंग है ना ये बढ़िया है इसके बीच में कोई खड़ा हो जाए इसके बीच में खड़ा हो जाओ जाके और फोटो खींच लो वेंगल अगर हाँ दो ये सही है ये वाला हाथ थोड़ा सुपर कर दे लेफ्ट वाला ये क्या चीज़ है ये डोरी है शॉपिंग ना ना ये वाइट वाला हाँ ये देखो बोल दे सांप का पूरा मुंह बोल हाँ ये हाँ ऐसे करेंगे ये बर्ड है 3D पेंटिंग ये जिराब ये भी अच्छा लग रहा थे हाँ लॉलीपॉप पकड़ लेता हूँ मैंने लॉलीपॉप पकड़ लिया इसके ऊपर खड़ा हो जा हाँ ये दे हाँ देखो बढ़िया है ये हाँ ये बहुत अच्छा है इसमें खड़े हो ना एक इसमें एक उसमें इस हाइट के अकॉर्डिंग ना ये छोटी हाइट ऐसे विंग फैलाने हाथों से लग भी रहा हो थोड़ा और रियल सा है ना एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है और दूसरा खून पी रहा है मुंह से हाँ बढ़िया है बढ़िया तो गाइज ये अंदर से पार्क है क्रिस्टल वर्ल्ड इको पार्क ये मैंने जैसे वियतनाम और चाइना में देखे थे इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है तो गाइज अभी हम जाने वाले हैं मिरर मेज भूल भुलैया भूल भुलैया भूल भुलैया ठीक है ठीक है अच्छा हाथों के लगे हाथ ना लगाए ना तो गाइस चलते हैं अंदर यहाँ तो लाइटें बड़ी डिम हैं अबे क्या है अच्छा अच्छा हमें ऐसा लग रहा अच्छा कि हमें ऐसा लग रहा है हम ऊपर है पर हम एकदम डाउन फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे अच्छा ये भूल भुलैया है चक्कर आ जाए क्या है कंफ्यूजिंग बजेगा जही बजेगा मुँह अबे यहाँ देख उठ रहे आई यहाँ से अरे मैं भटक गया हूँ भाई ऊपर की मुंह लेफ्ट से आई ओ भाई तुम तो गोल गोल घूम के आ गए ये रहे इधर आओ वो है यहाँ से सीधा रास्ता होगा कहीं ना कहीं हम निकलेंगे कैसे यहाँ से बाहर अंधे हो गए हम यहाँ पागल हो गए हम वहीं घूम रहे थे बार बार इधर चलो लेफ्ट अरे यहाँ तो ग्लास है पता नहीं चल रहा ना यहाँ पे ग्लास है इधर है इधर टाइम कंज्यूमिंग है कुटरी है कहाँ भटक रहे यहाँ ये सही है अरे आ गए अरे तो वही जगह है एंट्री थे ना उड़ने के लिए तैयार यहाँ तक झोंका खाता होगा ना कितने लगता 40 कितना यार बस छोटा रहेगा DSLR ना ना वो वीडियो के लिए सर पे गोपी कैसा लग रहा गुड रे
डर नहीं लग रही क्या? अरे खतरनाक है यार ये, भयंकर। बढ़िया था, बढ़िया है ये। तो गाइज ये कुछ अंदर से नज़ारा है क्रिस्टल वर्ल्ड का। जैसे मेले में झूले होते हैं ना, उसी टाइप के यहाँ पे आपको झूले मिलेंगे बच्चों के लिए। और नहाने के लिए इसका पार्क वो लेफ्ट साइड में जहाँ पे वो क्रिस्टल वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो वहाँ पे सारा नहाने का एक्टिविटी, मतलब वहाँ पे वाटर पार्क है ये देखिए, तो वहीं पर सारे वाटर गेम होते हैं। और ये साइड में, राइट साइड में सारे झूलों का है, यहाँ पे झूले ही झूले हैं। गया कोई झटका था ये, आमने सामने से मत मारना टक्का, ठीक है? बाप रे बाप, आराम आराम झटके देखिए। तो ट्रेसिंग कार हमने कर लिया है, फाइट अच्छे से की है, अपने भाई लोगों को फाइट दी थी और साथ में सृष्टि आई थी उसको भी फाइट करी है। तो अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स अभी करने हैं, अभी चलते हैं हम वाटर स्पोर्ट की तरफ। वाटर स्पोर्ट जो मेरे को मेन यहाँ का लगता है, सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में ही आता है भाई, क्योंकि क्रिस्टल वर्ल्ड जो फेमस है वो उसी लिए है अपने वाटर गेम्स के लिए। और तो छोटे मोटे ये जितने झूले वगैरह ये आप मेले वगैरह में भी कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं वाटर स्पोर्ट की तरफ। कला खट्टा होता है। यस। ये कौन सा? आम। और मेरा वाला था रूअब का। इससे थोड़ा रिलीफ मिल गया। तो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं जो मेन इवेंट होता है यहाँ का, वाटर स्पोर्ट जो होते हैं ना। तो अभी हम इसके ऊपर जाने वाले हैं, वहाँ से सारे जितने भी है ना स्लाइड वगैरह सारे ट्राई करेंगे। एकदम कंफर्टेबल है। माय गुडनेस, माय गॉड, बाप रे बाप। अभी हमने कौन सी स्लाइड करी थी? ड्रैगन स्लाइड। ड्रैगन स्लाइड हमारी हो गई है। अभी ये वाली ट्रेवल, ये वाली देखते हैं क्या ऐसा, गोरिला ट्यूब स्लाइड। उसके बाद ये बॉडी सर्व भी है, इसके ऊपर आपको एक मैट से मिलती है, मैट को लेके सू एकदम नीचे। तो अभी ये गोरिला वाली ट्राई करते हैं, इसमें ही सबसे ज़्यादा भीड़ है, ये बहुत खतरनाक होने वाली है गोरिला। तो गाइस ये वाला ट्राई करेंगे हम, गोरिला स्लाइड है। इसके अंदर पूरा अंधेरा है, पूरी ट्यूब है आधी तक, और शायद मेरे हिसाब से पूरी ही ट्यूब है, ब्लैक ब्लैक। कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा बट अपना एक्सपीरियंस जरूर बताऊँगा अंदर, वहाँ से पहचान लेना अंदर मेरे साथ क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। बहुत डेंजरस राइड। तो गाइस ये वाला हमने ट्राई कर दिया, और वो वाला भी हमने ट्राई कर दिया जो ड्रैगन वाला, ये गोरिला भी कर। ठीक है भाई, हल्का है। धन्यवाद। Oh,
सुनाई दे रहा है, उसको अवॉइड करना गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी। अब ये बच्चे लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं अभी। तो गाइज ये कुछ नज़ारा है क्रिस्टल वर्ल्ड का, ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको। ये रोलर कोस्टर आ रहा है, नीचे पानी में जाता है एकदम नीचे ना फोर्सफुली। अभी देखोगे आप, ये गया और वहाँ पे स्प्लैश हो गए। यो मज़ेदार, ये पूरा व्यू है ऊपर का। वहाँ पे झूले वगैरह आइटम है, इधर पे भी झूले हैं, वहाँ पे कैंटीन वगैरह है, वहाँ पे वेव है और थोड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का है वहाँ पे, है ना। और यहाँ पे डांस वांस का है। और सबसे हाइट में भी मैं अभी आया हूँ, ये एक झूला है सुसाइड और बहुत डेंजरस है भाई, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। अंदर देख क्या, चिल्ला लियो जितना मर्जी चिल्लाना है, डरियो मत। बंद हुआ, पैर देखे मिला ले। इसका नाम ही सुसाइड है, किलर। चिल्लाइयो जितना मर्जी। नीचे देख वहाँ, सुसाइड किलर। कहाँ से निकलेगा ये? वो ब्लू वाले पे निकलेगा, अभी नीचे देखना इस वाली नहीं, ब्लाइंड पे नहीं। उसकी चीखें निकल गई भाई नीचे। कहाँ गया वो? तो गाइस फाइनली हमने पूरा एंजॉय कर लिया यहाँ पे। टिकट इसकी 900 की थी, 1100 के हमने दिया है। इन्होंने बोला म्यूज़ियम घूमो, हमने बोला हमें म्यूज़ियम नहीं चाहिए, उन्होंने बोला ऐसा कोई टिकट ही नहीं है। और वहाँ पे लिखा भी हुआ था बोर्ड में, अभी दिखा दूंगा मैं आपको, 900 रुपये लिखा था। और तो गाइस ये कुछ टिकट के प्राइजेज हैं यहाँ पे। उनको पता है कि ये नए बंदे आ रखे हैं, तो उनको लूटने के लिए मिल गया हम जैसे जितने भी यहाँ पे कस्टमर आते हैं। तो 1100 रुपये की हमने टिकट करी, ठीक है। हमें म्यूज़ियम नहीं देखना था, हमें वाटर पार्क के अंदर एक्टिविटी करनी थी, पर उन्होंने बोला हम जो ये हमने ये बंद कर दिया इसलिए कि ताकि उनके 200 रुपये और बन जाए। जहाँ तक झूलों की बात रही, झूले यहाँ पे ठीक है। अगर आप लोग को वाटर गेम अच्छा लगता है, वाटर पानी से पानी वाले गेम अच्छा लगते हैं, तो आ जाइए यहाँ पर। वरना मुझे यहाँ का अंदर का कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और कोशिश करिएगा अगर आपको आना भी है तो ऐसे सीज़न में आना जिस टाइम इनका धंधा नहीं चल रहा हो, तब जाके इन्हें पता चलेगी कस्टमर की वैल्यू। क्योंकि मैंने आज देखा बहुत टाइम मेरे साथ भी बहुत गंदा सा बिहेव हुआ एक जगह दो जगह टिकट के चक्कर में, कि ये टिकट उधर लगाओ, उधर से इधर, इधर से उधर। मेरे को कम से कम इन्होंने 7-8 काउंटर में भगा दिया, और जो कि मुझे पसंद नहीं आया। पसंद ऑब्वियसली बात है, पसंद नहीं आएगा यार, मैं कस्टमर हूँ। और मैं इस चीज़ को बताऊँगा अपने जितने मेरे व्यूअर आएगा। तो गाइस ये मेरी पूरी वीडियो थी क्रिस्टल वर्ल्ड से। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। जय हिंद, जय भारत। तो ये क्या नाम है, चाय सुट्टा बार।